हेलो दोस्तों, फाइनली इंडियन व्हीकल सिमुलेटर 3D गेम के अंदर दोस्तों फुल टॉर्चन मोड को इनेबल कर दिया गया है। साथ ही में दोस्तों नया मैप भी ऐड कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग अलग अलग व्हीकल्स को टॉर्चन कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, फुल सेटिंग बताने वाला हूँ, तो यार इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हो तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आप लोग टॉर्चन मोड को इनेबल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप जैसे गेम को ओपन करोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। जी हाँ दोस्तों, आप व्हीकल को कैसे चेंज कर सकते हैं मैं आपको बताता। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, क्लिक करते ही यहाँ पर इधर स्वराज लिखा हो, इस पर क्लिक करके जो भी व्हीकल्स आप लेना चाहते हो उस व्हीकल्स पर क्लिक करना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर क्लिक करके मैं महिंद्रा पर क्लिक करके स्वापन करता दोस्तों, तो आप देख सकते हो महिंद्रा ट्रैक्टर आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप अलग अलग ऑप्शन पर क्लिक करके दोस्तों आप उस तरफ भी ट्रैक्टर को चेंज कर सकते हो, यानी कि व्हीकल्स को चेंज कर सकते हो। जी दोस्तों, यहाँ पर क्लिक कि आपको जो भी व्हीकल्स ऐड करना वो क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं थार 2 को सिलेक्ट करके स्वापन पर क्लिक करूंगा तो दोस्तों थार 2 आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, थार 2 को चॉइस करके आप खेल सकते हो। इस प्रकार से दोस्तों व्हीकल्स को ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों आप लोग इस प्रकार से ऐड कर लेना, जो भी व्हीकल्स आपको पसंद आए उसे ऐड कर सकते हो। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर मैं DG3 को लाता हूँ दोस्तों, इस प्रकार से आप भी लेकर आ सकते हो। जी हाँ दोस्तों, दोनों तरफ आप DG3 को लेकर आ सकते हो। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, मैं DG3 सिलेक्ट करता हूँ इस तरफ और इस तरफ भी स्वापन पर क्लिक कर देना, क्लिक करते ही आपकी DG3 इस तरफ भी आ जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग टॉर्चन कर सकते हो, आपको जो भी पसंद आए व्हीकल्स दोस्तों उसे आप टॉर्चन करा सकते हो। जी दोस्तों, दोस्तों मैं एक तरफ DG2 लेकर आता हूँ, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर टॉर्चन करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ DG3 हो जाएगा दोस्तों, एक तरफ DG2 हो जाएगा। इस प्रकार से आप टॉर्चन करके कैसे खेलेंगे मैं आपको बताता दोस्तों। तो इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करते लाइक जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले DG3 को चलाने के लिए यहाँ पर आपको नीचे रेसिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस पर क्लिक करोगे तो आपकी DG3 चल जाएगी दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और दोस्तों DG2 को चलाने के लिए आपको ऑप्शन मिलेगा ऊपर में, यहाँ पर क्लिक कर देना, क्लिक करते ही DG2 चालू हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इस प्रकार से आप टॉर्चन करके खेल सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इसमें मैप भी चेंज कर दिया गया, बहुत ही शानदार मैप आने वाला है दोस्तों। इस अपडेट के बारे में बात करें तो दोस्तों ये अपडेट बहुत ही जल्दी आ जाएगा, यानी कि 28 तारीख से पहले पहले ये अपडेट आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको इस गेम की सारी सेटिंग मैंने बता दी, जो कि दोस्तों आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप लोग टॉर्चन करके खेल सकते हो। तो फ्रेंड्स, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह अपडेट पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों मैं मिलूंगा एक और न्यू वीडियो में यार, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।